हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आईक्यू। दोस्तों, आज है 31 मार्च, और 31 मार्च से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज का देखते हैं, आज का अभ्यास प्रश्न जिसको आपको आंसर देना होगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देश का पहला COVID-19 अस्पताल कहाँ खोला गया है। इसका ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, निम्न में से किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से निधन हो गया है। तो ये जो पिक्चर में दिखाया गया है, इसका जो है निधन हो गया है कोरोना वायरस के कारण। ये राजकुमारी है मारिया टेरेसा, ये कौन से देश की है? तो ये स्पेन की है, ऑप्शन नंबर सी, स्पेन की ये राजकुमारी है मारिया टेरेसा, जिसका निधन हो गया है कोरोना वायरस के कारण। तो ये जो इसकी एज थी वो थी 86 साल की उम्र में इसका देहांत हो गया है वायरस के कारण। कैपिटल की बात करें स्पेन की, तो कैपिटल है मैड्रिड, एंड यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कर लेते हैं। COVID-19 के मद्देनज़र अमेरिका ने भारत को कितनी मदद देने का ऐलान किया है? तो COVID-19 के चलते अमेरिका ने भारत को मदद देने का ऐलान किया है, तो कितने? 29 लाख अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है अमेरिका ने। ठीक है, भारत को 29 लाख अमेरिकी डॉलर COVID-19 के मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने भारत को मदद की है, इतने रुपए की, 29 लाख रुपए की। यूएसए की बात करें, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये सारे यूएसए का पार्ट है। नेक्स्ट कर लेते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु के प्रस्तावित 38वां नए जिले का नाम क्या है? तमिलनाडु के अंदर पहले 37 जिले थे, अब एक जिला और बन गया है जिसका नाम है, ऑप्शन नंबर ए, मयिलादुथुराई। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब तमिलनाडु के अंदर 38 जो हैं जिले हो गए हैं। सीएम की बात करें तमिलनाडु पे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल की बात करें तो चेन्नई वहाँ की कैपिटल है, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। सीएम वहाँ के हैं के पालाना स्वामी, एंड वहाँ के जो गवर्नर हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो जिला बना है वो 38वां जिला बना है, मयिलादुथुराई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्न में से कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला देश का दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो एंटीबॉडी परीक्षण करने वाला जो देश बना है वो अपना प्यारा भारत बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, भारत ने एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला देश, दुनिया का पहला देश बन चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो पिक्चर में जिस तरह से दिख रहा है, यानी कि जोया अख्तर को ये अवार्ड मिला है। IIFTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी IIFTC। ठीक है, ये जोया अख्तर को दिया गया है। जो ये संस्करण था, इसका 8वां संस्करण था, जो कहाँ पे हुआ? मुंबई के अंदर हुआ। ये जो संस्करण हुआ था, 8वां संस्करण हुआ था इसको, जो मुंबई के अंदर ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत की किस कंपनी वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए सबसे अधिक, सॉरी, 1500 करोड़ की मदद की पेशकश की है? तो 1500 करोड़ किसने दिए हैं? तो दिए हैं टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ की मदद पेशकश की है वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए। इसकी स्थापना जो हुई थी 1868 के अंदर हुई मुंबई के अंदर। संस्थापक इसके जमशेद जी टाटा, मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, 30 मार्च को किस देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर डे दिवस बनाया जाता है? तो ये दिवस बनाया जाता है अमेरिका के अंदर, 30 मार्च को नेशनल डॉक्टर डे बनाया जाता है। और अगर अपने भारत की बात करें तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे बनाया जाता है भारत के अंदर। ठीक है, 30 मार्च को अमेरिका के अंदर बनाया जाता है, और 1 जुलाई को अपने भारत इंडिया के अंदर बनाया जाता है नेशनल डॉक्टर दिवस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय सेना ने कोरोना से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते स्टार्ट किया है। इसके अंदर भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना के जो चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने हैं, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और आदर्श वाक्य इसका सर्विस बिफोर सेल्फ इसका आदर्श वाक्य है। तो भारतीय सेना ने कोरोना से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते को शुरुआत की है, अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज ने 2020 में भारत की जीडीपी की वृद्धि घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो पहले इन्होंने 5.3% बताई थी जीडीपी, बट इन्होंने घटाकर अब 2.5% कर दी है। मूडीज़ जो है यूएसए की कंपनी है, इन्वेस्टर ये जो है डिसाइड करती है, जीडीपी बताती है सबके लिए, ठीक है। तो भारत की इन्होंने जीडीपी घटाकर अब कर दी है 2.5%, पहले इन्होंने 5.3% बताया था, अब इन्होंने 2.5% कर दी है। नेक्स्ट कर लेते हैं, कोरोना वायरस से बचाव के लिए खेल मंत्री किरण रिजिजू, हमारे भारत के जो खेल मंत्री हैं वो किरण रिजिजू हैं, और पूर्व क्रिकेटर ने 1-1 करोड़ रुपये दान किए हैं। तो दूसरे को पूछा है भी कौन से पूर्व क्रिकेटर ने, तो गौतम गंभीर ने, और कोरोना वायरस के बचाव के लिए किरण रिजिजू और गौतम गंभीर दोनों ने मिलकर 1-1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।